तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे और एक मैच के बारे में जो कि खेला जाएगा। T10 मैच है, ECS T10 स्पेन के बीच स्पेन में मैच खेला जाएगा। तो काफ़ी बड़ा मैच होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा। मैं इस मैच में इसलिए कॉल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लो कॉम्पिटिशन मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पर हाई विनिंग भी होगी, इसलिए मैं इनको इस मैच को कवर कर रहा हूँ। तो फटाफट से वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे सीडीएस मैड के बीच में मैच खेला जाएगा। तो क्या रहेगी प्लेयर स्टैट, क्या रहेगी दोनों टीम का पिछले मैच परफॉर्मेंस, कैसे दो प्लेयर कैसे परफॉर्मेंस कर क्या रहे दोनों टीम से, तो वो सब देखेंगे इस वीडियो में। और फाइनल आपको मैं टीम आपके सामने बना के दिखा दूंगा, तो आपको प्लेयर का आइडिया हो जाएगा किस प्लेयर को लेना है और किस प्लेयर को नहीं लेना है। तो अगर यहाँ पे लीग में अभी तक यहाँ पे ग्रैंड लीग ऐड नहीं हुए, पर जरूर ऐड हो जाएंगे। पर उससे पहले यहाँ पे हेड टू हेड लीग है, हेड टू हेड आप ज्वाइन करके रख सकते हो, आसान विनिंग हो सकती है क्योंकि कॉम्पिटिशन भी लो है यहाँ पे। तो वैसे सुबह देख लेते, तो पहले दोनों का प्लेयर स्टेट कैसा है पहले वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो वैसे यहाँ पे देख लो, कोस्टा डेल सोल एसएस मैड्रिड सीसी के बीच में मैच कर लेगा। शाम को 7 बजे मैच चलोगा, तो जरूर ज्वाइन कर लेना अभी तक अभी से। तो पहले मैड के कुछ प्लेयर के रिकॉर्ड देख लेते हैं यहाँ पे। पहले आते हैं रॉयल शाफी के, 6 मैच खेले उसमें 69 रन बना के आ रहे, 23 का बैटिंग एवरेज इनका, और इन्होंने 2 विकेट लेके आ रहे, प्लेयर बहुत बड़े अभी। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे गलीलो फाइनल सोना बेली, इनका रिकॉर्ड देख लो, 6 मैच के लिए उसमें 49 रन बना के आ रहे, 9 का बैटिंग एवरेज इनका, और इन्होंने 6 विकेट लेके आ रहे। ये भी बहुत बड़ा प्लेयर है, ये भी हर मैच अच्छा परफॉर्मेंस करके आते हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों बहुत बड़ा करते हैं। नेक्स्ट विक्ट्री मेडिना, अभी तक रन भी नहीं है, विकेट भी नहीं लिया है यहाँ पे। जेम्स मेडली 6 मैच में 3 विकेट लेके आ रहे। इमरान सिद्धू की 6 मैच में 50 रन बनाए, 18 का बैटिंग एवरेज इनका, और इन्होंने 5 विकेट लेके आ रहे, बॉलिंग बैटिंग दोनों बहुत बड़ा करते हैं। जॉन वुडवर्ड 5 मैच में 43 रन बना के आ रहे, 14 का बैटिंग एवरेज है, इनका भी बैटिंग अच्छा कर लेते हैं। डैनियल वॉकर 5 मैच में सिर्फ 4 रन बना के आ रहे। मार्कस हैवरी 4 मैच में 149 रन बना के आ रहे, प्लस 1 विकेट लेके आ रहे। प्लेयर बहुत बड़ा है, हर मैच अच्छा बस रन बना के आता है, जरूर ग्रैंड में कैप्टन रख सकते हो मार्कस हैवरी को। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे एडम लैगन्स, 2 मैच में 39 रन बना के आ रहे, ये भी प्लेयर बहुत बड़ा है, ये भी अच्छा खासा बैटिंग कर लेता है। सुमन हुसैन 2 मैच में 55 रन बनाए, 27 का बैटिंग एवरेज इनका। डैनियल ब्लॉच 2 मैच में 30 रन बनाए, प्लस 2 विकेट लेकर आ रहे, ये भी प्लेयर बहुत बड़ा है। स्टीन स्टीवसन अभी तक उनका रिकॉर्ड नहीं यहाँ पे। पैट्रिक टर्नफोर्ड 2 मैच में 1 विकेट लेकर आ रहे, और नीचे 2 प्लेयर का अभी तक उनका रिकॉर्ड नहीं है। तो गाइस अभी तक के लिए था कुछ मैड के प्लेयर के स्टेट्स, नीचे के 4-5 प्लेयर आप रख सकते हो क्योंकि उनका रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, एक बार जरूर देख लेना रिकॉर्ड सबका, उसके हिसाब से आप पिक करना है सब प्लेयर को। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे सीरियस का प्लेयर के स्टैट्स, उसमें पहले आते हैं एंड्रयू क्रोम, 6 मैच के लिए उसमें 21 रन बनाए गए, 10 का बैटिंग एवरेज का। नेक्स्ट आते हैं समर्थ भूता, 5 मैच में 3 विकेट ले गए रहे, ये भी प्लेयर बहुत बड़ा है। नेक्स्ट किन्नर नेस्टर 4 मैच में 54 रन बनाए, 27 का बैटिंग एवरेज का, ये भी टिक टॉक परफॉर्मेंस करके आता है। यान हिगिंस 4 मैच में 3 विकेट ले गए रहे। नुसन अलविस 4 मैच में 29 रन, 9 का बैटिंग एवरेज का। क्रिस बैटन 4 मैच में 6 विकेट लेकर आ रहे, बहुत बड़ा बॉलर है, जल्द पिक करना, स्मॉली में वो कैप्टन वर्ष ट्राई कर सकते हो। माइकल केली 3 मैच में 1 विकेट लेकर आ रहे। स्टीफन बेलिस 3 मैच में 32 रन, 10 का बैटिंग एवरेज। ब्रूस रेनॉल्ड्स 3 मैच में 4 विकेट्स। ईगन डेंटिस 2 मैच में 9 रन। रिचर्ड लेक 2 मैच में 10 रन 1 विकेट। ली रिमर 2 मैच में 62 रन बनाए, 31 का बैटिंग एवरेज का। जेम रिली 2 मैच में 7 रन 1 विकेट लेकर आ रहे। रिचर्ड हैसमन 1 मैच में 1 रन। रिचर्ड कंगमन 1 मैच में 1 विकेट। और नीचे के प्लेयर उनका खास रिकॉर्ड नहीं इनका, तो उनको छोड़ सकते। तो आज अभी के लिए था कुछ दोनों का प्लेयर के स्टैट्स। अब थोड़ा दोनों टीम का प्लेयर्स के पिछले 2-3 मैच में कैसे परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे पहले। तो वैसे यहाँ पे देख लो, पहले सीरीज के कुछ प्लेयर के रिकॉर्ड देख लेते हैं पिछले 2-3 मैच में। पहले एंटोनी का अभी तक रिकॉर्ड है यहाँ पे, और नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं ये एटीट्यूड, 6 मैच 6 रन बनाया पिछले मैच में, उससे पहले खेला था उससे पहले 16 रन, और 1 मैच में बॉलिंग किया था 1 विकेट लेके आया था, ये भी प्लेयर बहुत बड़ा है। नेक्स्ट यहाँ पे सी बैटिंग का देख लेते हैं, पिछले मैच से 4 विकेट लेके आया था सीरियस GRD के खिलाफ, और उससे पहले विकेट नहीं लेके आया था, प्लेयर बहुत बड़ा है ये भी बैटिंग। वुडवर्ड इनका अभी तक रिकॉर्ड है यहाँ पे। और नेक्स्ट यहाँ पे पी हचमैन देख लेते हैं, 5 रन बनाए थे, 1 मैच में 38, 1 मैच में 4 रन बनाए थे, ये सारे का रिकॉर्ड है। आर लेक का देख लेते हैं, पिछले मैच 6 रन, उससे पहले 0 रन 0 विकेट, 7 रन 0 विकेट, ऐसा इनका रिकॉर्ड है। टिक टॉक पहुँच कर गया था हर बार में।
और नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं के नेस्टा का देख लेते हैं। पिछले मैच 0 पर आउट थे, पर एक मैच 26 रन 0 विकेट 69 0 विकेट, बॉलिंग से विकेट नहीं लेते पर बैटिंग अच्छा खासा करके जा रहे हैं। सिर्फ बात करता देख लेते हैं यहाँ पे उनका भी रिकॉर्ड है। यहाँ पे जिमी रिली इनका रिकॉर्ड देख लेते हैं, यहाँ पे उनका भी रिकॉर्ड दिखाने आया है, पर प्लेयर बहुत बड़ा है भी यंग प्लेयर। एल रिमल इनका देख लो पिछले मैच एक रन 0 विकेट, एक मैच 38 रन 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, ऐसा इनका रिकॉर्ड है। बहुत बड़ा प्लेयर है, जरूर कैप्टन टाइगर से इस मैच में। कॉम्बो को देख लेते हैं, उनका अभी तक रिकॉर्ड नहीं देखा यहाँ पे, ऐड नहीं हुआ उनका रिकॉर्ड। और यहाँ पे यान हिगिंस का देख लेते हैं, पिछले मैच 1 विकेट उससे पहले 2 विकेट उससे पहले 0 विकेट, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, हर मैच विकेट लेके आता है सिर्फ एक मैच छोड़कर। आर हैशमैन का देखते हैं, पिछले मैच 15 रन 0 विकेट 2 रन 1 विकेट 32 रन, ऐसा इनका रिकॉर्ड है, ये भी अच्छा खासा रन बनाया गया था। लास्ट में यश बुद्धा पिछले 2 मैच 1 विकेट और 2 मैच विकेट नहीं लेके आता। तो अभी तक के लिए था कुछ सीरीज का प्लेयर स्टार्ट, आप देख लीजिए मैट के प्लेयर के स्टार्ट कैसा है वो देख लेते हैं यहाँ पे पहले। तो यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं ए लैंड मैट में भी मैट के प्लेयर में, इनका रिकॉर्ड देख लो पिछले मैच 0 रन उससे पहले 33 रन आया था और एक मैच 0 रन, ऐसा इनका परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट यहाँ पे डी प्लॉस का देख लेते हैं, उनका अभी तो रिकॉर्ड ऐड नहीं हुआ यहाँ पे। और नेक्स्ट जे वोडवार्ड का हम देखेंगे, पिछले मैच में खेला था उससे पहले 0 रन उससे पहले 39 रन, एक मैच 4 रन आया था सिर्फ, एक मैच अच्छा परफॉर्मेंस करके आया था। लिविस क्लर्क इनका अभी तक उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया यहाँ पे। और नेक्स्ट यहाँ पे जी फिनाल्स देख लेते हैं, बहुत बड़ा प्लेयर है, एक पिछले मैच 1 रन 2 विकेट उससे पहले 16 रन 2 विकेट 12 रन 1 विकेट 12 रन 1 विकेट, ऐसा ऐसा परफॉर्मेंस इनका, हर मैच अच्छे परफॉर्मेंस कर गया था, जरूर कैप्टनसी का पिक रहेगा। टेलफोर्ड का भी अभी तक रिकॉर्ड नहीं यहाँ पे। और नेक्स्ट यहाँ पे कौन आते हैं, एस हुसैन इनका रिकॉर्ड 6 रन 3 रन 35, ऐसा इनका रिकॉर्ड है। और नेक्स्ट मार्कल हैवरिक का देख लेते हैं, पिछले मैच 48 रन 50 रन 1 विकेट 0 50 रन, ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके आता है, हर मैच 50 प्लस रन बना के आता है, प्लेयर बहुत बड़े हैं भी। आई सिद्धू की नहीं कहेगा, जेम्स मेटली का देख लेते हैं, पिछले 2 मैच 0 विकेट और 1 मैच 2 विकेट ले गया था, मेरा लिख कर पिक हो सकते हैं। आज शाफिक के देख लेते हैं, पिछले मैच 16 रन 1 विकेट 0 रन 0 विकेट 33 रन 1 विकेट, कब बैटिंग करता है वो तब विकेट ले लेता है, कम टाइम पर आउट होता है तब विकेट नहीं लेता है प्लेयर, स्टीवसन का रिकॉर्ड नहीं होता है। तो गाइस ये देख ले कुछ धोनी का प्लेयर स्टैट, अब धोनी का पिछले मैच का परफॉर्मेंस देख लेते हैं यहाँ पे पहले। तो यहाँ पे पिछले मैच में दोनों टीम का विकेट हुआ था, तो उसमें देख लेते हैं, उसमें पहले मैन ने बैटिंग करते हुए 83 फॉर 6 विकेट को आया था, उसमें डैनियल ब्लॉच जैन वर्ड फॉर ओपनिंग किया था, उसमें ब्लॉच 1 रन, वुडवर्ड 14, सैम सुमन हुसैन 18, इमरान सिद्दीकी 0 रन, रायल सिद्दीकी राहुल शफी की 9 रन बनाया था, एडम लैंगस 24 रन बनाया था और गैली सिलो 4 रन बनाया था और डैनियल वॉकर 10 रन बनाया था। वहीं यहाँ पे बॉलिंग में जेमी रिली 1 विकेट, क्रिस बैटन 1 विकेट, रिचर्ड लेक 1 विकेट लिया था, रिचर्ड हैचमैन 2 विकेट, ब्रूस लिंडसन 1 विकेट लिया था। और यहाँ पे सीरीज की बैटिंग में ये आसानी से विन कर ली, सीरीज ने विन कर ली थी, उसमें ली रिमल 40 रन बनाया था, रिचर्ड लेक 37 रन, एंड्री कोबो 0 और अलियास 0 रन बनाया था। और बॉलिंग में यहाँ पे स्टीवसन ने 2 विकेट लिया था और कोई बॉलर ने 2 विकेट नहीं लिया था। तो ये होता कुछ धोनी का प्लेयर स्टैट, धोनी का पिछले मैच का परफॉर्मेंस। चलो गाइस टीम देख लेते हैं टीम कैसे है हमारी, तो आपके सामने मैं लाइव टीम बना के दिखा दूंगा, तो आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा किस प्लेयर को लेना है किस प्लेयर को नहीं लेना है। तो यहाँ पे पहले बैटिंग सीजन में बहुत सारा ऑप्शन है बैटिंग सीजन में, तो देखेंगे उसमें बेस्ट कौन सा रहेगा वो पिक करेंगे। तो बस पहले यहाँ पे आते हैं सुमन हुसैन, पिछले मैच 31 रन आए थे उससे पहले 18 रन उससे पहले उन्होंने 35 रन, तो हर मैच अच्छे परफॉर्मेंस करके आ रहा है इसलिए मैं इनके साथ जाऊँगा। ली रिमल को भी मैं पिक करूँ क्योंकि पिछले मैच 40 रन की पारी खेला था, ये भी प्लेयर बहुत बड़ा है, ये भी हर मैच अच्छे परफॉर्मेंस करके आता है इसलिए मैं इनके साथ जाऊँगा। और नेक्स्ट यहाँ पे डैनियल ब्लिच ओपनिंग करेंगे, देखेंगे उनका रिकॉर्ड कैसा है, पिछले मैच में पिछले 2-3 मैच अच्छे परफॉर्मेंस नहीं करके आता तो उनको हम छोड़ेंगे। जॉन वुडवर्ड का कैसा है देख लेते हैं उनका रिकॉर्ड, पिछले मैच 31-14 रन, तो लास्ट 2 मैच अच्छे परफॉर्मेंस करके आ रहा है। रिचर्ड लेक का देख लेते हैं यहाँ पे, रिचर्ड लेक का कैसा है उनका, पिछले मैच 37 रन 1 विकेट 1 रन, तो ये बॉलिंग बैटिंग दोनों करता था इसलिए मैं रिचर्ड लेक के साथ जाऊँगा। तो अभी तक के लिए मैं 3 बैट्समैन लेंगे, सुमन हुसैन, ली रिमल और रिचर्ड लेक। तो यहाँ पे विकेट सीजन में एंड्री क्रोम्बे और विक्टर मेजिना है, मैं क्रोम्बे के साथ जाऊँगा
क्योंकि क्रोम बहुत बड़ा प्लेयर है, इसलिए मैं इनके साथ जाऊँगा। आप यहाँ पे मदीना के साथ जा सकते हो। और यहाँ पे ऑलराउंडर में सिर्फ तीन ऑप्शन है, इमरान सिद्दीकी को लेना चाहता हूँ मैं, कोई ज़्यादा ऑप्शन है। इमरान सिद्दीकी प्लस गली दो फिनलैंड के दोनों प्लेयर बहुत बड़ा है, और अदर कोई ऑप्शन है अगर कोई ऐड हो जाता है तो मैं इनको ले लूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बॉलिंग में रिचर्ड स्टेनसन को मैं मस्त पिक कहूँगा, क्योंकि इनका रिकॉर्ड जो पिछले मैच एक विकेट, उससे पहले दो विकेट, उससे पहले विकेट नहीं रहता, उससे पहले एक विकेट ले गया था, इसलिए मैं इनके साथ जाऊँगा। रिचर्ड हैशमैन में पिछले मैच दो विकेट लेके आया था, देख लें पिछले दो मैच से दो विकेट, उससे पहले 15 रन में आया था, बैटिंग भी अच्छा खासा कर लेता है। क्रिस वेटम भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है, ये भी विकेट टेकर बॉलर है, इसलिए मैं इनके साथ जाऊँगा। और लास्ट बॉलर यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे यान गिज्स नहीं खेलेगा। जेम्स रिले का देख लेते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड, उनका भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, तो कोई अदर ऑप्शन है तो मैं जेम्स रिले के साथ जाऊँगा। और एक मैं बॉलर बैट्समैन के साथ जाऊँगा, क्योंकि बॉलर ज़्यादा हो गए, सिर्फ एडम लगैंस का साथ जाऊँगा, क्योंकि लगैंस बहुत बड़ा प्लेयर है, उनका रिकॉर्ड देख लो। तो वैसे भाई कैप्टन वाइस कैप्टन बात करें तो यहाँ पे कैप्टन मेरा सैम हुसैन, सुमन हुसैन कैप्टन रहेगा, और वाइस कैप्टन मैं रिचर्ड लेक को बना रहा हूँ। लेक इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये बॉलिंग भी करेगा प्लस बैटिंग भी करता है, इसलिए मैं वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ग्रैंडली ऐड होंगे, तो ज़रूर मिस मत कीजिए, ट्राई करना, जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू गाइस।